कर्नल साहब, जो इन्होंने अपील दायर की है उसके अंदर दो पॉइंट बड़े अहम है। एक तो ये कहते हैं कि चूंकि आपका टेन्योर 2021 के अंदर दिसंबर 2021 में ख़त्म हो रहा है, इस वजह से आपके ऊपर अब अरबों रुपया लगाने का मकसद समझ में नहीं आता। दूसरा, आपका इलेक्शन 2013 की हल्का बंदियों के मुताबिक हुआ था, अब नई हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, तो अब वो भी आप गैर मौसर हो चुके हैं उस मामले में भी। अच्छा, नहीं नहीं, आप मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुने। इन्होंने ये कहा है कि जी हमने अरबों रुपया लगाकर आपका सिस्टम जो है वो चला रहे हैं, कि हमने 2019 के कानून के तहत नया सिस्टम चला लिया है, जो कि गैर आईनी बात है। ये सरकारी मुलाजमीन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस सिस्टम को नहीं चला सकते। अब ये एक तरफ तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा कि हमने सरकारी मुलाजमीन को हटाकर इनको बिठाया। अब आप मुझे ये बताएं कि सरकारी मुलाजमीन जो बैठे हैं वो तो पहले हमारे मातहत काम करते थे। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स बिठाए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स बिठाए हुए हैं, कमिश्नर्स बिठाए हुए हैं जो कि इख्तियार हासिल करके बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के, म्यूनिसिपल कमेटियों के और मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन के। अब आप मुझे ये बताएं जमात इस्लामी भी इस पर अपना मौकफ दे दे। जमात इस्लामी क्या समझती है सर कि इन बलदियाती इदारों के साथ हुकूमत ने ज्यादती की है, इनको बहाल हो जाना चाहिए, या फिर इन्होंने जो नया ऑर्डिनेंस दिया और उसके तहत ये नए इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, आप इनके इस नए ऑर्डिनेंस के तहत जिसमें ज्यादा इख्तियारात होंगे बलदियाती नुमाइंदों के पास और वो आवाम की सही मानों में तर्जमानी कर सकेंगे? ये जवाब आप मेरे से ले लेते सर, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं जरा जिक्रुल्ला मुजाहिद साहब का मौका भी ले लूँ। सर, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ सपोर्ट करेंगे हुकूमत को? शुक्रिया अरसलान साहब। देखें, बलदियाती इंतखाब और बलदियाती इदारे जो हैं, यही आपके जो शहरी और लोकल मसाइल हैं उनके हल का वह जरिया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये दावे गवर्नमेंट में आने से पहले हर पार्टी ये करती है, लग जब उन्हें मौका मिलता है तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि जो पिछले बलदियाती इंतखाब भी हुए, अगर आप उसको भी सामने रखें तो पहले तो गवर्नमेंट तैयार नहीं थी करवाने पे, जब उन्होंने करवाए तो एक साल तक उनका हलफ नहीं लिया, फिर अगर हलफ ले लिया तो फिर उन इदारों को उन्होंने वसायल और इख्तियार नहीं दिया। तो ये थी पिछली गवर्नमेंट की कहानी। खान साहब जब नई इक्तदार में आए थे तो आप देखें उनके दावे थे कि जी हम समझते हैं कि ये बलदियाती और लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है यही मुल्क की तरक्की का जामन है, शहरों के मसाइल को यही हल कर सकते हैं। लेकिन अब इनका भी तरीका ये है कि भी या तो आप पिछले जो इदारे बने हुए हैं उनको काम करने दें, अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग भी बैठे हैं तो कोई मसला तो नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट है, आप चीज़ों को मॉनिटर करें। लेकिन उन्होंने उन इदारों को सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से बिल्कुल तबाह कर दिया है, और उसके बाद फिर ये है कि अब वो नया इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज्यादती है।